हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताश तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टिप्स फॉर यू। आज के सीएसएस वीडियो में हम लोग सीखने लगे गूगल फॉन्ट्स के बारे में। अब गूगल फॉन्ट्स मतलब क्या है, जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में कोई स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज नहीं करना चाहते तो वहाँ पे हम लोग गूगल फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स ये फ्री टू यूज है एंड मोर देन 1000 प्लस फॉन्ट्स आप लोगों को यहाँ पे चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो गूगल फॉन्ट्स को हम लोग चूज कैसे करेंगे, साथ में उस फॉन्ट्स को हम लोग अपने प्रोग्राम में ऐड कैसे करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोग्राम हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के लिए क्रिएट किए थे, जिसमें हम लोगों ने फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज किए थे, साथ में फॉर प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने वहाँ पे यूज किए थे। तो सभी प्रॉपर्टी पहले तो हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे, उसके बाद में जो फॉर प्रॉपर्टी यहाँ पे इसे भी हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में एक कंट्रोल एस कर देंगे तो देखेंगे कुछ इस टाइप में हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। अब इसी टेक्स्ट के ऊपर जो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे गूगल फॉन्ट ये यूज करने लें। अब गूगल फॉन्ट पहले हम लोग को चूज करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे गूगल के सर्च टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे टाइप कर देंगे गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स टाइप करना है, एंटर करना है, तो यहाँ पे आप लोग गूगल फॉन्ट्स की फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पे शो होंगी, तो इस लिंक के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में गूगल फॉन्ट्स के इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे आप लोग शोर्ट बाय यहाँ पे दिया हुआ, जैसे ये फॉन्ट जितने भी शो हो रहे हैं ये सभी ट्रेंडिंग वाले फॉन्ट है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलर है, न्यूएस्ट है या फिर नेम है, तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर देना। उसके बाद में जो टेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे शोर है आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है टाइप समथिंग, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे और हम लोग अपने चैनल का नेम दे देंगे सॉफ्ट टेक फॉर यू। अब यहाँ पे क्यों मैंने ये चैनल का नेम दिया, जिसमें यहाँ पे सॉफ्ट टेक और ये यू जो हम लोग का टेक्स्ट आप लोगों को कैसे शोर है ये समझ में आ जाएगा, और ये जो फोर है ये यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब एक आइडिया हम लोगों को आ जाएंगे कि हम लोगों का टेक्स्ट और नंबर कैसे शोर है। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है टाइप कर दो, उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का प्रीव्यू शो होगा। उसके बाद में जो भी आप लोगों को फॉन्ट चाहिए, जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन कर देंगे, जो भी हम लोगों को फॉन्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला फॉन्ट चाहिए, या जैसे हम लोग नीचे और स्क्रॉल डाउन करते करते आ जाएंगे, जो भी फॉन्ट आप लोग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला फॉन्ट चाहिए, तो इसके ऊपर सिर्फ हम लोग क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कालनी है और फॉन्ट नेम है हम लोग का, इसके अकॉर्डिंग आप लोग और भी फॉन्ट यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे जो भी फॉन्ट आप लोग चाहिए आप लोग इसे चूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे इतने सारे फॉन्ट्स हैं हम लोग के पास, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला फॉन्ट ले लेंगे। अब जैसे हम लोगों ने ये वाला फॉन्ट चूज किया, अब ये फॉन्ट हम लोगों को अपने वेब पेज पे जो टेक्स्ट है उसके ऊपर शो करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इस फॉन्ट को अपने प्रोग्राम में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पे एक प्लस आइकॉन ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्लस पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो जो भी आप लोगों का फॉन्ट है इसके एक लिंक यहाँ पे आप लोगों को शो होगी, और उसके नीचे जो फॉन्ट है ये आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कॉलोनिया का यहाँ पे आप लोग फॉन्ट शो हो रहा है। तो पहले तो हम लोग ये जो लिंक यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे आप लोग इस लिंक को यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल सी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉपी का ही ऑप्शन दिया हुआ है, इस बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे हम लोग इस बटन पे क्लिक किए, जो लिंक है ये कॉपी हुई हम लोगों की, कॉपी होने के बाद में हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हेड टैग के इनसाइड मतलब बिटवीन आप लोगों को ये जो लिंक कॉपी की हम लोगों ने इसे यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, आप लोग राइट क्लिक पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिंक पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद में जो हम लोग का प्रोग्राम है इसका आउटपुट यहाँ पे शो होगा। अब ये प्रोग्राम है, ये आउटपुट है। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिंक तो सही से पेस्ट किए, कंट्रोल एस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ भी आप लोगों को चेंजेस शो नहीं होंगे, क्योंकि जो आप लोगों ने टेक्स्ट अपने वेब पेज के ऊपर शो किए हुए तो उसके ऊपर सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे गूगल का जो फॉन्ट हम लोगों ने चूज किए उसके सिर्फ यहाँ पे लिंक पेस्ट किए। जो फॉन्ट हम लोगों को चाहिए, जिसे हम लोग फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज की मदद से यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे आ जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो आप लोग यहाँ पे फॉन्ट फैमिली शो हो रहा है तो इसे भी आप लोगों को कॉपी करना है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे और अपने प्रोग्राम में फिर से आ जाएंगे। और यहाँ पे जिस टेक्स्ट के ऊपर जैसे आउटपुट में जो टेक्स्ट आप लोगों को शो हो रहे हैं, जैसे हम लोग का हेडिंग है ये टू पैराग्राफ है, आप लोगों को सभी के ऊपर सेम फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को एंटर करके बॉडी एज अ टैग का सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ओपन कर लिए, क्लोज कर लिए, इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। जो भी फॉन्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया, जो फॉन्ट फैमिली था हम लोगों का, इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस कर देंगे तो देखोगे कुछ इस टाइप में आप लोगों को इसका आउटपुट शो होगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी फॉन्ट चाहिए आप लोग गूगल से ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट सब पे सेम फॉन्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई होगा, ये हम लोग गूगल फॉन्ट से ले रहे हैं। अब फॉन्ट फैमिली के साथ में जैसे देख रहे हैं कालनिया और कॉमा सेरिफ, ये टू फॉन्ट नेम यहाँ पे हम लोग को दिए गए। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को जैसे जो फर्स्ट पैराग्राफ शो रहा है इसके ऊपर अगर आप लोगों को अलग से फॉन्ट चाहिए आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को गूगल का जो फॉन्ट है उसमें आप लोगों को और एक फॉन्ट यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे जो लिंक हम लोगों ने यहाँ पे दिए इसके लास्ट में अगर आप लोगों को फिर से एक फॉन्ट अगर ऐड करना है
तो यहाँ पे आप लोग स्पेस देके पाइप सिंबल मतलब और का सिंबल देना है आप लोग। और भी यहाँ पे जो भी आप लोग गूगल फॉन्ट है इसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक हमेशा ध्यान देना है, अगर आप लोग मल्टीपल फॉन्ट यहाँ पे गूगल के यूज़ करोगे जो गूगल फॉन्ट से हम लोगों के, तो यहाँ पे जो भी आप लोग का वेब पेज ये लोड होने में यहाँ पे टाइम लग सकते हैं। तो बी केयरफुल, आप लोग जो फॉन्ट यहाँ पे ऐड करने गूगल फॉन्ट से तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर देना। अब यहाँ पे ऐड कैसे करना है तो हम लोग फिर से अपने ब्राउजर पे आ जाएंगे। ब्राउजर पे आने के बाद जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉन्ट लिए हुए जैसे सभी के यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन शो हो जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जैसे रिमूव ऑल कर देंगे, जो भी फॉन्ट हम लोगों ने लिए थे इसे यहाँ पे रिमूव किए, हम लोग यहाँ पे बैक कर देंगे। हम लोग फिर दूसरा कोई फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हम लोगों को स्क्रॉल डाउन करके आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस कर देना जो भी फॉन्ट आप लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाला फॉन्ट लेंगे, जैसे इस फॉन्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सभी रिजल्ट शो होंगे कि यहाँ पे ये फॉन्ट किस टाइप में यहाँ पे शो होगा। अब ज़्यादा इसमें कुछ अलग से है नहीं, जैसे एक ही फॉन्ट यहाँ पे शो हो रहा है, जो हम लोग यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद इसकी लिंक अलग से यहाँ पे शो होगी। तो इस फॉन्ट की जो लिंक हम लोग को यहाँ पे शो रही इसे आप लोग कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में प्रोग्राम में आना, जो और सिंबल जो पाइप सिंबल यहाँ पे दिया है उसके बाद में हम लोग कंट्रोल वी उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में जो फॉन्ट फैमिली आप लोग को यहाँ पे शो रही इसे भी आप लोग कॉपी करना है। और जो पैराग्राफ पे आप लोगों का जैसे प्रोग्राम में यहाँ पे जो हम लोग का पैराग्राफ है ए फर्स्ट P1, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इस जो फॉन्ट को हम लोगों ने अभी कॉपी किए इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं आउटपुट में यहाँ पे आप लोग बता दूंगा। अब पेस्ट किए हम लोगों ने प्रोग्राम में यहाँ पे, अब कंट्रोल S जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो पैराग्राफ आप लोगों ने यहाँ पे जो भी फॉन्ट आप लोगों ने दिया हुआ है उसके ऊपर अलग फॉन्ट यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जितनी आप लोग लिंक चाहिए आप लोग यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, और जो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट आप लोगों के वेब पेज पे आप लोग शो रहे हैं उसके अलग अलग टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग फॉन्ट आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है जो गूगल फॉन्ट से हम लोग हैं, तो उसे भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही बताना था कि हम लोग गूगल फॉन्ट्स कैसे चूज करेंगे, उसे अपने प्रोग्राम में कैसे ऐड करेंगे, ये सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।